ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் சமாதியாமி ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் சமாதியாமி ராமீர் மஜ்ஜிப்பும் மடுக்கண வெறுமணி சிக்காப்பதிங் अब परिचय हुआ प्रकाश सिंह माइक पास नहीं लगी। हाँ माइक आवाज वैसे भी बहुत तेज है वैसे देखिए मैं उन महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ कि मेरे एक फोन पर 100% महिलाएं आज इकट्ठी हैं। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और वी द पीपल से जिन भी महिलाओं को मैं जूम में ये लिंक प्रोवाइड कराती हूँ अधिकतर महिलाएं जुड़ जाती हैं। बाबा साहेब का जो सपना था वो कहीं हम पीछे ले गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हो पाए। संगठित हुए भी तो संगठनों में बट गए। जब हमारी एनर्जी जगह जगह बट गई तो हम बहुत ज्यादा दूर पहुंच गए अपने एक लक्ष्य से। तो जो है ये भीड़ उठाया वी द पीपल ने, एक संघ है, जितनी भी हमारी बहनें बैठी हैं उनको लगभग पता ही होगा कि एक संघ है और हमें इस संघ में आना है ताकि हम अपने खोए हुए मान सम्मान और अधिकारों को बचा पाए। अभी तक इतने भी संगठन हुए, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी, यहाँ पर सबने काम किया लेकिन सब अलग अलग बटे रहे। आज हमें इस वी द पीपल के तले इकट्ठा होना है ताकि हम जो भी हमारे अधिकार खो गए हैं, हमारा मान सम्मान खो गया है, हमारा साथ जो इतनी एट्रोसिटी हो जाती है महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सभी से मैं अनुरोध करूंगी मेरी महिला शक्ति ऐसे ही इकट्ठी रहे ताकि महिलाओं में जो जागृति पैदा हो रही है मुरादाबाद मंडल के अंदर हम एक लक्ष्य तक पहुंच सकें और अपने बाबा साहेब के जो एक हमें अधिकार संविधान में बहुत सारे अधिकारों को देकर गए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित हैं, संगठित होना बाकी है। अगर संगठित हो जाएंगे तो हम निश्चय ही संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी, अनुरोध करती हूँ कि वी द पीपल संघ में सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। जुड़ने से ही सब कुछ पॉसिबल है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं जीतेंगे नहीं। इसलिए महिला पुरुष बच्चे परिवार मित्रों के साथ आप लोग सभी जुड़ जाइए ताकि हम अपने अधिकारों और सम्मान संविधान को बचा पाए। धन्यवाद। दिल्ली से जो लंबे समय से इस प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं, जो वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमारे सामने रखें और उसके बाद में हमारे जो साथी यहाँ से या बाहर से भी उपस्थित हैं, जो अभी उस क्रम में कोई डाउट कोई प्रश्न किस तरह के हैं उसके बाद में कर पाए। श्रद्धेय सुंदर जी, कि आपका जो कंप्यूटर है उसमें मेमोरी कितनी है, कि वो कितना इनपुट ले सकता है और इनपुट लेने के बाद उसको आउटपुट करना है आपको, तभी फायदा है। सुधीर जी दिल्ली से आए हैं, हमारे अभिषेक एडवोकेट साहब दिल्ली से आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये फायदा तभी होगा इनका आने का, तभी ये पूरा हल होगा इसका, हमारा फायदा होगा कि आप इनपुट लें और उसको आउटपुट समाज में दें। थैंक यू। शुरू करते हैं। ये जो संघ है, दरअसल इसका नाम समण संघ तो हमको लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आप ये समझें कि जैसे हमारे किसी पिता महने कोई पीएचडी की डिग्री, पीएचडी की फाइल पूरी लिखी, पूरी पीएचडी की पूरी किताब लिखी और उनके कुछ समय बाद करीब 1214 साल बाद उस पीएचडी पर कोई अपना नाम लिखा के ले गया, चुरा के ले गया, उसका फ़ायदा उठा रहा है और हमारे पिता मैं की जितनी यादें थीं वो ज़मीन में गाड़ दी और हमको ये पता नहीं कि ये जो संघ नाम की पीएचडी की डिग्री है और जो पीएचडी की फाइल है वो किताब हमारी है। तो उन्होंने वो संघ ही नाम लिया और संघ नाम लेने की वजह से, क्योंकि असली तो ये समण संघ था मगर उस समय तक एक ही संघ था इसलिए समण की बात नहीं थी और जितने वम्मण थे उनको पहले समण होना पड़ता था, अगर वो समण होंगे तो संघ में आएंगे। ब्रह्मण एक भी नहीं था उस संघ में, क्योंकि बुद्ध ने सभी को पढ़ाया, सभी को लिखाया, कोई भेदभाव तो किया नहीं, मगर ये कंपलसरी था कि समण होना पड़ेगा, तो समण ही सारे होते थे, इसलिए इसका नाम समण संघ है। कोई ये कहे कि समण संघ को दोबारा से बना सकता है, डेवलप कर सकता है,
उसको क्रिएट कर सकता है, उसको पैदा कर सकता है कोई भी व्यक्ति दुनिया में, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब समर संघ दोबारा नहीं बन सकता, संघ दोबारा नहीं बन सकता जिंदगी में, कभी भी संघ दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि संघ एक बार बनता है, वो पहले बन चुका है। और वही संघ है जो आपके खून में है और जो आपकी जो नसों में जो बहता है उसके अंदर है। और ये संघ तभी से चला आ रहा है जब से हमारे महापुरुषों ने इकट्ठा होना, यानी सन्निपात बाहुल बोलते थे उस समय, जैसे आज हम कर रहे हैं, ये सन्निपात बाहुल है। सन्निपात का मतलब है सम्मेलन अधिकतर लोगों का, तो अधिकतर लोगों का सन्निपात बाहुल है, उसी से संघ बनता था, जब सारे बैठते थे संघ बनता था। ये बुद्ध से भी पहले की प्रक्रिया है, इसलिए ये दोबारा नहीं बन सकती। ये ठीक ऐसे दोबारा नहीं बन सकती जैसे कोई आपको ये कहे कि आपको अब वो बोधि बनाएगा, धम्मिक बनाएगा, बुद्धिस्ट बनाएगा, या आज की भाषा में कहें तो बौद्ध बनाएगा। बौद्ध उस समय शब्द नहीं था, तो नहीं बना सकता आपको, कोई भी बौद्ध नहीं बना सकता आपको। सिर्फ याद दिला सकता है कि आप बौद्ध हो, क्योंकि आप सारे ही बौद्ध हो। इसलिए जितने भी लोग हैं भारत में ब्राह्मण को छोड़ के, सारे ही समर संघ के अंग हैं और सारे ही समर संघ के मालिक हैं। हर एक बच्चा बच्चा मालिक है, जो माँ के पेट में है वो भी मालिक है, और जो बूढ़ा मरने वाला है वो भी समर संघ का हिस्सा है। तो दोबारा कौन पैदा करेगा? और दोबारा पैदा करेगा तो झूठा पैदा करेगा, दोबारा पैदा करेगा तो नाटक करेगा। दोबारा अगर पैदा करेगा समर संघ को, ये कहेगा जी के हमने समर संघ वहाँ बना लिया, या वो समर संघ ऐसा है। ये तो समस्या ऐसी आ गई कि हमारा जो कल्याण होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, तो पीछे गए पीछे गए पीछे गए पीछे गए, तो जाके पता चला कि हम तो संघ में इकट्ठे रहते थे, संघ तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, संघ से ही तो फायदा है। संघ दुनिया में जहाँ भी अपनाया है उसका फायदा सबको मिलता है, और संघ में ही शक्ति होती है। और ये वाक्य भी हमारा है, संघे शक्ति, पाली में संघे शक्ति है, बाद में इसको संघे शक्ति करके कुछ बोला गया, क्योंकि शय तो पाली में होता नहीं, तो संघे शक्ति हमारा ही, यानी संघ में ही शक्ति होती है, ये हमारा ही सेंटेंस है। ये भी चला गया, तो चला गया तो क्या वापस नहीं आ सकता? कोई अगर चीज़ हमारे हाथ से निकल जाए और हमें याद आ जाए तो करना क्या है? कहीं कोई स्टाम्प पेपर थोड़ी इसका लिखा हुआ है कि चला गया तो स्टाम्प पेपर पर लिख के चला गया, या कहीं हमने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि चला गया तो चला गया, या किसी ने इसकी रजिस्ट्री करा ली है। ये तो एक प्रक्रिया है, हम इकट्ठे हुए तो संघ वापस आ गया, हम लगातार इकट्ठे होते रहेंगे तो संघ चलता रहेगा, संघ हमेशा रहेगा, जब भी आप इकट्ठे हो जाओगे तभी है। तो संघ इस मायने में सर्वोपरि होता है, क्योंकि आज जैसे 272 लोगों का यहाँ नॉमिनेशन था कि वो आएंगे, और 272 में 10 20 30 हो सकता है कि वो ना आए, मगर कल ये खबर आई कि उन लोगों को भी सन्निपात बाहुल चाहिए, यानी वो लोग तो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं संघ में लोगों को इकट्ठा करने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 31 तारीख का पटेल साहब का जन्मदिन लगा दिया स्कूलों में, संडे के होने के बावजूद भी, क्योंकि उनको भी संघ चाहिए। संघ तो सबको चाहिए ना, क्योंकि संघ में शक्ति है तो संघ तो सबको चाहिए। तो उन्होंने, अब उनके पास लोग तो हैं नहीं, तो वो अलग अलग तरीके से संघ को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को बुला लिया, तो टीचर अधिकतर आने वाले थे उनको बुला लिया। तो हम ये मान के चलते हैं कि संघ की जो प्रक्रिया है वो निरंतर प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसके खून में संघ है और वो समण हैं और वो समण संघ का हिस्सा है, उसका यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। क्योंकि पहले भी बुद्ध का संघ जो बना था, या बुद्ध से पहले संघ था, बुद्ध भी इसके फाउंडर नहीं है। कोई कहे कि बुद्ध इसके फाउंडर हैं, समर संघ के फाउंडर हैं, वो भी नहीं है। आपके और हमारे जो पूर्वज रहे हैं, आपकी हमारी जो माताएं रही हैं बहुत पहले, किसी की तो संतान हम रहे हैं भारत में, वो लोग इसके फाउंडर हैं। उन लोगों ने इस संघ को बनाया है, वही सन्निपात बाहुल करते थे, उन्होंने ही गढ़ व्यवस्था बनाई थी, उन्होंने ही नियम बनाए। और आप अपने किसी भी पिता में हैं या किसी भी पूर्वज के किसी वंशज का नाम नहीं जानते, क्योंकि संघ में लीडरशिप ही नहीं थी, संघ में व्यक्तिवाद ही नहीं था, संघ में चेहरा नहीं था। इसलिए बुद्ध के साहित्य में संघ में कोई नायक नहीं मिलता। तो संघ में नायक नहीं मिलता तो संघ कैसे काम करता है? संघ काम करता है जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, अभी मान लो कोई समस्या आ जाए, कुत्ता यहाँ आ जाए, तो संघ में कहेंगे भाई इस कुत्ते को निकाल दो बाहर, तो संघ का डिसीजन हो गया, कहते सबने कहते निकाल दो, कोई ये नहीं कहेगा कि इसको यहाँ रखो डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो संघ का निर्णय है। अब इसमें किसी को नेता बना के थोड़ी पूछेंगे भाई पहले एक नेता बनेगा फिर बताओ कुत्ते का क्या करना है, निकालें या ना निकालें। तो ये संघ का जो नियम थे संघ ही लेता था, तो संघ का मालिक संघ होता था। तो
तो बुद्ध अपने धम के मालिक नहीं है, क्योंकि धम तो प्राकृतिक है। लोगों ने बुद्ध को खत्म करने के लिए और संघ को खत्म करने के लिए अपनी बीमारी हमको पकड़ा दी। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं संघ नायक हूं। ऐसे लोगों ने जो खुद नेता बनते हैं, क्योंकि राजनीति शब्द हमारा नहीं है, हमारे यहाँ राजा नहीं है तो राजनीति कहां से होगी, हमारे यहां तो संघ नीति है, इसको उस समय गणनीति बोला करते थे। तो गणपति हमारा होता है, यानी जितना भी आपको गणपति कहीं मिलेगा, गणपति जो भी होगा, तो वो गणपति हमारा होता है, क्योंकि गण माने होता है लोगों का समूह, और पति माने होता है जो उसको प्रतिस्थापित करता है, जो उसको चलाता है, जिसको गण ताकत देता है कि आप इसको चलाइए, आपके नाम से चलेगा, फिर नहीं काम करोगे तो हटा देगा। तो संघपति हमारा हो सकता है, गणपति हमारा हो सकता है, मगर राजनीति हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा हमारा नहीं है, राजा का तो हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है। अब वो क्या कराते हैं हमसे, वो कहते हैं आप राजनीति करो और राजनीति ही आपको पार लगा देगी। राजनीति पार नहीं लगा सकती, क्योंकि राजनीति में फायदा किसको होगा, राजनीति में फायदा राजा को होगा, उसके तो नाम से है भाई, गण के नाम से थोड़ी है, संघ की नीति थोड़ी है, संघ की नीति होगी, गण की नीति होगी, गणपति होगा तो गण को फायदा देगा, और अगर राजनीति करेंगे तो राजा को फायदा होगा, राजकुमार को फायदा होगा, राजकुमारी को फायदा होगा, जो प्रजा है, जो प्रजा है, वो तो महाराज करती रहेगी, टैक्स देती रहेगी, महाराज कहती रहेगी, और वहां तो वोटिंग सिस्टम भी नहीं है, कोई संविधान भी नहीं है, जब कोई संविधान भी नहीं है तो आपका वहां वोट भी नहीं है, तो राइट भी नहीं है। इसलिए राजनीति का मतलब है राजा की नीति, और राजा की नीति का मतलब है कि हमारा नुकसान। तो हमारी समण नीति है, संघ नीति है, मगर इसको कोई नहीं बताएगा आपको। और कमाल की बात तो, पहली बात तो यह है कि लोगों को इसका पता ही नहीं है कि ये नीति हमारी है। जानकारी भी हमें तब हुई जब हमें लगा कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, तो चलो किताबों को खोद लें, देख लें, कुछ मिल जाए, तो धम्म को जाना, तो पता चला कि धम्म का जो हिस्सा हमें पढ़ाया जा रहा है और जो हमें बताया जा रहा है, वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है धम्म का। कैसे है, जैसे कोई, जैसे अरब के अंदर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए, वो बहुत अच्छे आमीन थे, यानी कि बड़े उनके ईमानदार थे, लोग उनके पास जब यात्रा करने जाते थे तो अपना सामान वहाँ रखते थे, सामान रखे चले जाते थे, और जब वापस आते थे तो कहते सामान का रखा है कि जहाँ रखे गए थे वहीं रखा हुआ है। वो इतने ईमानदार थे, उनकी बात सब मानते थे, उनकी ईमानदारी का गुण था, यानी उनमें पंचशील के गुण थे, ईमानदारी गुण थे, पंचशील के गुण थे, तो वहाँ उनकी बात मानते थे। उन्होंने जो बातें बताई, वो गार में जाते थे, वहाँ जाके वो ध्यान तपस्या साधना करते थे, उसमें गार के जिक्र हैं, गुफा को बोलते हैं। तो उन्होंने जो वहाँ सारा का सारा ज्ञान दिया, जो सारी बात की, वो सारी की सारी बात मानवता के हित के लिए थी, मानवता के कल्याण के लिए थी। वहाँ के लोगों ने बाद में देखा कि भाई व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने उनके सारे चिन्ह बाद में हटा दिए। शुरू में बड़ा अच्छा रहा और कोई चिन्ह नहीं मिलता, यहाँ तक कि अभी की बात है 14 साल पुरानी, उनका कोई चेहरा भी नहीं है। बोले व्यक्तिवाद ही खत्म कर दो, जो व्यक्ति सब मनुष्य के लिए काम करता है वो सबका होता है, व्यक्ति में लोग पूजने में आ जाएंगे, इसलिए वहाँ उनके जूते चप्पल वगैरह वो कहीं इधर उधर रखे हुए, बाकी सारी चीज़ें हटा दी, इसलिए वो फोटो नहीं बनने देते, चेहरा नहीं बनने देते, क्योंकि चेहरा बनने से, व्यक्ति आने से, जो लोगों के लिए काम किया है वो खत्म हो जाता है, और जो चालाक मनुष्य होते हैं वो कहते हैं देखो ये रहे तुम्हारे मोहम्मद साहब, अब इनको पूज लो तो हो गया काम। तो बुद्ध ने भी कभी अपनी स्टैचू, उस समय भी लोगों ने स्टैचू प्रतिमा बोलते थे, प्रतिमा बना के कोई लकड़ी वकड़ी लाया तो उसको हटवा दिया कि नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि आपका जो लीडर होगा वो धम्म होगा, यानी धम्म ही धम्म आपका रास्ता दिखाएगा और संघ ही संघ का लीडर होगा। ये बात वो बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। मगर जिन्होंने ख़त्म करना था धम्म को और जिन्होंने ये चीज़ें गड़की ख़त्म करनी थी, उन्होंने मूर्ति बना दी। ऐसे नहीं थे बुद्ध जैसे हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि सिद्धार्थ गौतम कैसे थे, कोई नहीं जानता उनका चेहरा कैसे थे कैसे नहीं है। ये बैठने की जो कलाएँ हैं ये तो लिखी हुई हैं कि ये ध्यान कर रहे हैं तब कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विस्का अणु बना दिया, यानी जिसको वो ख़त्म करते हैं उनके लिए तो विष्काणु है। विष्काणु का मतलब है कि जहरीला, यानी कि जो बुद्ध है वो क्या है, विष्काणु बना दिया, जहरीला है उनके लिए, तो जहरीला है क्योंकि समानतावाद उनके लिए खतरनाक थी, तो विष्काणु बना दिया कि अब ये विष्के अणु हो गए हैं। उसके बाद मूर्तियां बना के हमको कह दिया इनको पूज लो, उसके बाद में कह दिया कि पैरों में झुक जाओ, पैरों में झुक, कभी नहीं पैरों में झुकवाया। एक परीक्षा होती थी, परीक्षा का मतलब है कि पद को देखना, यानी जो बोल रहे हैं उसको देखना, और पदिक्खा को बोल दिया पैरों को देखना है, पैरों में झुकना है, पैरों में झुकना सिखा दिया। ये बुद्ध ने कभी किसी से टच भी नहीं कराया पैर को, मगर वो अपने पैर भी खुद धोते थे, ऐसा नहीं है किसी भिक्खू से कहते हो कि पैर, वो खुद अपने पैर धोते थे, लिखा हुआ है।
तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर थी, सारा धम्म बहुत बड़े चल रहा था। तो बुद्ध ने बड़ा मजबूत किला बना के गए जो लगभग 14 साल तक चला। उस किले को मोटी बना के ख़त्म किया, पूजा करवा ख़त्म किया। ये हमारा धम्म नहीं है, ये हमारा बुद्ध नहीं है। हमारा जो धम्म है, हमारा जो बुद्ध है, वो बेसिकली संघ है। क्योंकि कल्याण कैसे होना है, अब बुद्ध तो आके यहाँ कल्याण करेंगे नहीं, उन्होंने तो आपको संघ दिया है। संघ का हिस्सा कोई आपको नहीं बताता, यानी धम्म का बता देंगे और धम्म में कहेंगे करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, चार चीज़ें आपको सब रटवाएंगे। और आपको पता है क्या कहेंगे, जैसे मैं कहीं लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ तो कहते हैं अरे आप धम्म को पढ़ाते हैं, कैसे बुद्ध के हैं आप ऐसा बोल रहे हैं, इतना कठोर बोलते हैं आप, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि बुद्ध ने कहीं लिखा है कि कठोर नहीं बोलना है, और तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं बाबा साहब का भी अनुयायी हूँ, इतनी समझ में नहीं आता क्या, तू हमें जान से मारेगा क्या, करुणा मुदिता और भाईचारा कह के सब कुछ ले जाएगा हमारा, हम पागल हैं क्या। बुद्ध ने क्या ये कहा है, बुद्ध ने करुणा, मैत्री, भाईचारा, मुदिता अपने संघ के लिए बोला है, मगर कठोरता भी दी है उन्होंने कि अगर सामने वाला संघ को घात करता है, संघ को प्रतिघात करता है, तो दंड लिखे हुए हैं उसमें, ऐसे ऐसे भयंकर दंड लिखे हुए हैं कि अभी मैं यहाँ बता दूँ तो आधे लोग तो कहेंगे भाई श्रवण संघ तो बड़ा कठोर है, हम तो निकल जाए तो बेहतर है। आजीवन का भी दंड है निकलने का, संघ तोड़ोगे तो संघ में प्रवेश नहीं हो सकता, इलाका छोड़ना पड़ेगा आपको। अगर माँ बाप से घात करोगे तो इलाका छोड़ना पड़ेगा। ये बुद्ध के साथ भी हुआ है, बुद्ध ने तो एक छोटी सी बात नहीं मानी थी, यही कहा था कि मैं संघ के साथ नहीं हूँ, मैं युद्ध में नहीं जाऊँगा, इतनी सी बात का घर छोड़ना पड़ गया। इतना भयंकर नियम संघ का है तब संघ चलता है, कितनी कठोरता थी संघ के अंदर, तो कठोर बनना पड़ेगा तो संघ चलाना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो भी यहाँ है वो इस बात को अच्छी तरह समझ ले और अच्छी तरह जान ले और खूब प्रसन्न करे, संघ में प्रसन्न करने चाहिए। जितने आप प्रसन्न करेंगे उनके सबके जवाब बुद्ध ने अपने विनय पीटक में, अपने धम्म पीटक में, सुत पीटक में सब में दिए हुए हैं। और अगर कोई जवाब मिसलीड भी है, अगर वो बदल दिया भी है, तो उसकी चिंता ना करें, उसका भी रास्ता कलाम सूत्र में दिया हुआ है कि अगर वो बात जिसका जवाब हमारे लिए अच्छा ना हो, जिसका पूरे मुरादाबाद के लिए अच्छा ना हो, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा ना हो, जिसका जवाब पूरे इंडिया के लिए अच्छा ना हो, और जिसका जवाब पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य के लिए अच्छा ना हो, वो जवाब झूठा है। ये सीधा सा सिद्धांत उन्होंने बता रखा है, तो उस मशीन में डाल दो, चेक कर लो कि ये जो बात है क्या ये ठीक है या नहीं, बात समझ में आ जाएगी। इसलिए यहाँ जो सिद्धांत है हमारा टोटल, वो है जुड़ने का और जोड़ने का, यही समर संघ है और यही समर संघ का सिद्धांत है। आप इसको संघ भी कह सकते हैं, आप इसको समर संघ भी कह सकते हैं, मगर अभी समर संघ कहेंगे तो बेहतर होगा। इसकी मेंबरशिप कहीं अनाउंस नहीं होती, इसकी मेंबरशिप कहीं लिखित में नहीं है, इसकी मेंबरशिप के लिए कोई बॉडी नहीं है, इसकी मेंबरशिप के लिए कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, इसकी मेंबरशिप के लिए कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बनेगा, और कोई पैसा नहीं है। क्योंकि संघ के विनय के वही नियम हैं कि आपने कोई पैसा किसी नहीं लेना। बुद्ध ने कभी कोई कलेक्शन नहीं किया, जो दे के चले गए वो। आज तो खैर ये जो मीटिंग हो रही है लग्जरी मीटिंग है, दरअसल ये जो लग्जरी मीटिंग है इन्होंने की है। मैंने तो उनसे यही कहा था कि देखो भाई संघ में ये जो आप पैसा 10-15 हज़ार रुपये इकट्ठा खर्च कर रहे हो ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी अपनी दरी लाओ, अपना अपना खाना लाओ, बुद्ध बिहारी हमारी जगह वहाँ बैठेंगे। मगर नहीं माने जो यहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं बाहर से लोग आएंगे उनको गद्दे चाहिए, गद्देदार गद्दे चाहिए, चादर चाहिए, तो भाई चादर लाओ, गद्दे लाओ, ठीक है लग्जरी कर सकते तो करो। बाकी तो ये है कि संघ की बैठक के लिए लग्जरी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लग्जरी होगा तो अगली मीटिंग में दिक्कत आएगी, क्योंकि आदमी ये सोचता है वहाँ 15 हज़ार रुपया खर्च हुआ तो फिर अगली बार भी हमारा 15 हज़ार खर्च होगा, तो फिर 15 हज़ार इकट्ठा करना पड़ेगा। हालांकि ये नियम है संघ का कि बाहर से पैसे नहीं लिए जाते, बाहर से कोई नई चीज़ ली जाती, पब्लिशर तो बिल्कुल नहीं लिए जाएंगे किसी भी हालत में। तो किया तो ठीक है, मगर इससे हमारा नुकसान बहुत हुआ। इससे नुकसान क्या हुआ, हम पहले का नियम ये था कि शादी हुई बुद्ध से, बुद्ध के पहले का नियम, शादी हुई तो लोग लड़की के घर रहते थे, लड़की लड़के में भेद नहीं था, बल्कि लड़की जो थी उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी, तो अधिकतर शादी करके लड़के लड़की के घर चले जाते थे, लड़की अपना घर नहीं छोड़ती थी। आज भी होता है हमारे मेघालय के अंदर ना, वहाँ भी ऐसा होता है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि वो जो उनकी संगति आई, उनका जो विचार आया, वहाँ पुरुष प्रधान है जहाँ से वो लोग आए, उन्होंने अपने आप को ऊपर करने के लिए हमारी महिलाओं को दबाना शुरू किया, और साथ ही साथ महिलाओं को हम ना मिलें आपस में, अपनी बहन बेटी से ना मिलें, तो नियम बना दिए। क्या नियम थे शुरू में तो ये था कि भाई किसी के घर को जा रहा आ रहा है तो खेत में जो पैदा हुआ, गन्ने पैदा हुए, चने पैदा हुए तो ले गए, गुड़ गुड़ बना तो ले गए, इसको फिर मैंडेटरी कर दिया, इसको परंपरा बना दिया, फिर इसको रुपए में बदल दिया, फिर इसको गिफ्ट में बदल दिया, फिर सास पूछती है तेरा भाई आया क्या लाया, देखा
अब उससे क्या होता है, भाई ने आना ही बंद कर दिया, क्योंकि बहन कह रही है तू पिछली बार गुड़ कम लाया, मेरी सास कह रही थी, तो भाई कह रहा है मैं फोन पे बात कर लूंगा, आने की जरूरत नहीं है। उससे क्या हुआ, हमारा संघ खत्म हो गया, क्योंकि संघ की बाध्यता हो गई। अब आप परिवार में आप मिलोगे तो कुछ लेके जाओगे, कुछ लेके जाओगे, जेब में पैसा नहीं, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, और बार 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 देने की, और इतने सारे फेस्टिवल झूठे बना दिए जिनमें खूब खर्चा बना दिया, तो संबंध कमजोर पड़ गया। भाई ने बहन की तरफ देखना ही बंद कर दिया, कह रहा भैया तू एक बार शादी कर दी तो तुम वहीं मरना, अब वापस मत आना, काम खत्म हो गया, बस दुआ सलाम रहेगी हमारी, तो ये संबंध खत्म कर दिया हमारा, संघ कमजोर कर दिया। वहीं हमारे जो ये सन्निपात माहौल है ये खत्म किया, क्या किया, एक मीटिंग करेंगे जी हम बुद्ध विहार में, हाँ बहुत बढ़िया करेंगे, 100 लोगों की मीटिंग करेंगे, बहुत अच्छी बात है, तो खाना वहीं खाएंगे। अब भीख सी मांगती फिर रहे हैं, भाई खाना बनना है, 40,000 का खर्चा है, ऐसा करिए डॉक्टर साहब 5,000 तुम दो, अरे बढ़िया तनख्वाह ले रहे हो, प्रकाश जी 5,000 तुम दो, क्या कर रहे हो 5,000 तुम दो, तो एक बार तो देते आदमी, दोबारा फिर 5,000 वही जो लोग हैं उनसे दें, तो वो कहते भाई साहब मैं तो यहीं नहीं हूँ मीटिंग में, आज हूँ ही नहीं यहाँ, मैं तो आज ना दोस्त क्या है मेरी जो मिसेज है ना उनके भाई की थोड़ी तबीयत खराब है, चाहे भाई हट्टा खट्टा घूम रहा है, मुझे तो वहाँ जाना पड़ रहा है, तो भाई जब आ नहीं रहा तो पैसे क्यों दूँ। उससे क्या हुआ, हमारी अगली मीटिंग बंद हो गई, फिर और मीटिंग बंद हो गई, तो साल में एक आध मीटिंग तो मजबूरी है लोगों को मिलना है, मगर हमारा सन्निपात बाहुल संघ का सिस्टम है वो खत्म हो गया। पहले क्या था, पहले ये था कि हमें मिलना है तो जगह हमारी फिक्स थी, सारी की सारी जगह फिक्स थी, और जो जगह थी उन पर क्या होता था कि टाइम फिक्स था कि भाई सन्निपात बाहुल हफ्ते में एक दिन मिलना है, जिस दिन मिलना है सन्निपात बाहुल से उसी को सन्नीचर्या बोलते हैं, यानी कि सन्निपात बाहुल से ही सन्नीचर्या बना, चर्या जो दिनचर्या होता है आदमी की चर्या होती है, यानी सम्मेलन की चर्या, मिलने की चर्या, और इस सन्नीपात बाहुल सन्नीचर्या से ही सन्नीचर्या बना, और उसी को शनिचर कर दिया, और वो शनिचर को कह दिया तुम्हारा शनिचर तो मनहूस है, और भाई घर से बाहर मत निकलना शनिचर को, बिल्ली काट गई, चूहा काट गया, कुत्ता काट गया, तुम्हारा ये हो गया, और किसी का गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कहते हैं, शनिवार गया ना, लोहा लग गया, लोहा मनहूस है। ये दरअसल हमारे सिस्टम को, हमारे सम्मेलन पे घात और प्रतिघात और जो कुठाराघात और जो हमले हुए हैं ये मानसिक रूप से हुए, ताकि हम अपने सन्नीचर्या में सन्नीपाहुत में मिलना। इसलिए विदा पिब्द समर संघ कहता है कि शुभ शनिवार, दरअसल शनिवार सप्ताह, शुभ शनिवार मिलने का, वार का मतलब होता है मौका, और सन्नी माने मिलना, सम्मेलन करना, और शुभ हो गया तो यानी कि शुभ माने हो गया अच्छा मुहूर्त, अच्छी चीज़, ये हमारे शब्द हैं सारे। तो हर शनिवार को हर जगह, हर गाँव, हर मोहल्ले में जरूर मिलना चाहिए हमें। ये रविवार हमारा नहीं है, ये रविवार तो अंग्रेजों से आया है, ये उनके यहाँ होता है संडे, हमारे यहाँ तो शनिवार था। तो शनिवार से साफ पता चलता है कि जो दिन वो मनुष्य बोलते हैं उनके लिए परेशानी है, क्योंकि आज हम यहाँ इकट्ठे हुए ना, अब यहाँ 10 लोग आ जाओ कौन आते हैं, तो अभी अगर 10 लोग बाहर आ जाएं, अभी हिम्मत है कोई बोल जाए, कोई आ जाओ, 10 आ जाओ, 20 आओ, कितने हम यहाँ 150 के करीब हैं, 150 से ऊपर, 150 तक तो हम झेल लेंगे, और अगर हम अच्छी तरह घुर्रा गए तो मेरे ख्याल 300 तक भी झेलें, देखो ऐसे जो होता है हमारे 300 तक झेलेंगे, और मैं गारंटी कह रहा हूँ आपने अगर महिला आगे कर दी तो हम 600 झेल लेंगे। तो क्योंकि महिलाएं हमारी बहुत दबंग थी, हाँ नहीं हमें पता है, हमें पता है। दरअसल क्या है, हम लोग भूल गए, हमारे यहाँ कुलपिता नहीं होता, हमारे यहाँ कुल माता ही होती है, और हमारे यहाँ सती माता के मंदिर मिलते हैं, सती पठान करती थी हमारी जो माता है ना, सती पठान, तो सती पठान सावित्री में करती थी जहाँ बुद्ध पढ़ाते थे, तो वहाँ से जो महिला सीख के आती थी सती पठान को, उनको सती सावित्री बोलते थे, इस सती सावित्री से इतने घबराते थे वो, इतना पढ़ाती थी वो, इतना सिखाती थी कि उनको जिंदा जलाने का काम शुरू कर दिया, और उसको सती प्रथा बना दिया कि ये हस्बैंड मर जाए तो उसको जला दो, जबकि हस्बैंड मरने के बाद में वो बड़ी ताकतवर हो जाती थी, वो सती पठान करती थी और पूरे समाज को जोड़ कर रखती थी। इसलिए सती मंदिर मिलते हैं, शीतला मंदिर मिलते हैं, वो सारे हमारे हैं। मंदिर का मतलब है मन के दर्द दूर करना, ये हमारा ही जगह है, जैसे ये जगह है, ये हमारा मन के दर्द दूर करने वाली जगह है। तो मंदिर सारे हमारे ही हैं, बदल दिए गए हैं, थोड़े से चीज़ें हो गई हैं। आप जैसे जैसे समर साहित्य में, समर चीज़ों में सीखोगे तो जानोगे, क्यों सीखोगे, क्यों जानोगे, अभी एक मिनट, जो क्यों है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बहुत सारी किताबें दी हैं। हमारे अधिकतर लोग पहला वॉल्यूम पढ़ेंगे, दूसरा वॉल्यूम पढ़ेंगे और उस पर पूरी नेतागिरी कर देंगे और धमकाएंगे बुरी तरह से, मगर 16वें वॉल्यूम तक कोई नहीं जाता। आप ना सिर्फ 16वां वॉल्यूम उठा लो, वो पाली का वॉल्यूम है। देखो बाबा साहब अम्बेडकर को आप मानते हो और हम भी मानते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत में ज्ञानवान व्यक्ति रहे हैं, उनके टक्कर का अभी तक कोई है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और किसी को अगर डाउट है तो जाके आत्महत्या कर ले,
क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है भाई। तो इसलिए स्पष्ट बात यह है कि उसमें जो 16वां वॉल्यूम है, उस 16वें वॉल्यूम में बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते हैं अंग्रेजी में पढ़ के आए, जर्मनी में जर्मन सीख के आए, जर्मनी में संस्कृत सीखी उन्होंने, और फिर वो मराठी जानते हैं और हिंदी में काम किया, हिंदी भाषी में काम किया, सारी भाषाएं वो जानते हैं, और डिक्शनरी किसकी देके जाते हैं, पाली की, जबकि पाली को उस समय कोई जानता भी नहीं है, उनके अलावा कोई जानता, क्यों? पाली में आपकी जड़ें हैं, पाली में ये लिखा हुआ है, आप समण संघ के मालिक हैं, पाली में ये लिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी जब एक होंगे तो समण संघ बनेगा, पाली में ये लिखा हुआ है कि जितने शब्द आपको गाली में दिए गए हैं वो सब ग्लोरी हैं, वो चमक हैं सारे के सारे, कोई सा शब्द उठा लो, अगर पुराना उठाओगे तो वो सूर्य की तरह चमकता हुआ शब्द है, कोई सा भी उठा लो, कैसा भी शब्द उठा लो, आपको वो उसमें मिलेगा, और जो उसमें शब्द नहीं है वो बाद में बदला हुआ है, ये आपको वहाँ से, इसलिए पाली को यूपीएससी से बंद कर दिया, पाली मत पढ़ो भाई, ये पाली पढ़ पढ़ के ना ये सारे सारे बुद्ध होते जा रहे हैं, पाली पढ़ पढ़ के सारे सारे संघ होते जा रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में पाली बहुत पढ़ रहे हैं, और पाली हिंदी ही है दरअसल, जो हम बोल रहे हैं 80% जो मैं बोल रहा हूँ ये पाली ही है, थोड़ी सरल हो गई, आप तो अधिकतर टीचर हो, पाली उठा लोगे तो जो संस्कृत जानता है वो तो पाली शब्द जान गया, और कोई साधारण व्यक्ति में मेरे जैसा, मैं तो इंजीनियर हूँ फिर भी पाली सीख गया, 10 दिन में सीख गया था, 10 दिन से ज़्यादा नहीं। तो आप सबको वो पुरानी जो कल्चर है जो हमारी और हमारे बाप दादा की है, उसकी रजिस्ट्री अब आपके नाम पहले से है, बस उस पर कब्जा करना है कि ये रजिस्ट्री हमारी है, अब भाई हम यहाँ आ गए हैं, सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी अगर आप जुड़ेंगे, जो जुड़ जाता है उसके पास में खुशियाँ आ जाती हैं, जिसके पास खुशी आ जाती है उसके पास मनोबल आ जाता है, उसके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके पास संपत्ति आ जाती है, उसके पास खेत खलियान आ जाते हैं, उसके पास सेहत आ जाती है, उसके पास में हर चीज़ वो आ जाती है जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, और जो जुड़ते नहीं हैं उनका सब कुछ चला जाता है। इसका उदाहरण ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम पहले जुड़े हुए थे, संघ में थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई अगर अपना दिमाग लगा के ये कहना चाहे जी कि हम जुड़े नहीं हैं तो वो अपने दिमाग का एक बार इलाज करा सकता है, क्योंकि जब हमारा संघ था और जब हम अशोक रूप से पहले सारे एक थे, परिवार था, तो हम एक ही थे, और पुराने समय में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, कोई कहता हो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम था ही नहीं कहीं, बस दो शब्द थे वमण और समण, वमण को बाद में बर्मन कहने लगे, वमण कहने लगे, ब्राह्मण उन्होंने बदल दिया, और हमारे समण को शर्मण कर दिया, शर्मण करके हमको कह दिया तुम तो श्रम करने वाले लोग हो, श्रम ही करना, जीवन भर श्रम करना है, ताकि हमारे दिमाग से ये निकल जाए कि हम राजा थे, हमको ये एहसास ना हो कि हम राजा हैं, मगर समण शब्द ये कहता है कि हम राजा हैं, क्योंकि काम तो जब देश में मालिक ही हम थे तो काम तो सारे हम ही करते थे, तो देश में काम ऊपर जो व्यवस्था चलाने का वो भी तो था, वो काम भी हम ही करते थे, जो इंडस्ट्री का काम था वो भी हम ही करते थे, जो खेत का काम था वो भी हम ही करते थे, जो सिस्टम को चलाने का है वो ही हम करते थे, और पढ़ने का भी हम करते थे भाई। तो लोग कहते हैं जी हम पढ़े लिखे थे, ऐसे कैसे कह दोगे आप पढ़े लिखे हम थे, अरे भाई सारे पढ़े लिखे थे, जब सम्राट अशोक बुद्ध के 350 साल बाद पत्थर की किताबों पर कुछ लिखवाते हैं तो लिखता कौन है, हम लिखते हैं, तो किसके लिए लिखते हैं, पढ़ने वाला कौन, तो हम पढ़ने वाले हैं भाई, बाहर से थोड़े आगे लोग, तो पत्थर की किताब लिखने वाले हम हैं, पढ़ने वाले हमें हम, तो किसी का हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि हम अनपढ़ थे उस समय, हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एक एक अक्षर हम जानते थे, हमसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा था ही नहीं, इसलिए हम अनपढ़ नहीं थे, बीच में अनपढ़ हो गए वो अलग बात है, मगर पहले से हम पढ़े लिखे हैं और पहले से हम जानकार हैं, इसलिए इस देश के अंदर जो 26% GDP थी उसको कौन चलाता था, उसको चलाने वाले लोग कौन, उसको पैदा करने वाले लोग कौन, ये जो रथ है इसको बनाने वाले लोग कौन, ये लकड़ी के सामान बनाने वाले लोग कौन, ये इंडस्ट्री जो छोटी मोटी जाती थी रेशम बनाने वाले लोग कौन, वो सारे हम थे, कोई बाहर से थोड़ी आ गया, तो इस इंडस्ट्री पे जो सामान बनता था उसको बेचने वाला कौन, बेचने वाला कौन होता था, जब बनाएंगे हम तो बेचेगा कौन, तो हम बेचते थे, तो व्यापारी कौन, व्यापारी हम, तो राजा कौन, राजा हम, तो पढ़े लिखे हम, व्यापारी हम, राजा हम, तो जब देश पे हमला होता था और अशोक ने सेनाएं बनाई तो लड़ने कौन जाता था, तो सेना कौन, तो सेना भी हम हैं, तो हम क्या नहीं थे, ये समण संघ से, ये पाली से, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत दूरदर्शक से लिखा हुआ है, वहां से आपको पता चलेगा कि हम तो सब कुछ हैं और हम आज भी सब कुछ हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा फेविकोल लगा लो और कुछ नहीं है, फेविकोल लगा लो और चिपक के चले जाओ, काम हो जाएगा, बस यही समण संघ है, जिसके भी प्रश्न है खुल के पूछे, सबके जवाब बुद्ध देके गए हैं, सारे जवाब वहीं से आए हैं,
हम तो सिर्फ उनका रट्टू तोता है, हम तो पढ़ पढ़ के बता देंगे आपको सुन सुन के, और कोई भी बता सकता है जो पढ़ेगा, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। धम्म को पढ़ते जाइए और संघ को सीखते जाइए। धन्यवाद। साधुवाद। आप जो भी साथी हमारे यहाँ हैं, जो हमारी प्रश्नोत्तरी की चर्चा रहेगी, उतारा है वैसा होता रहेगा और ऐसी 70 साल और बीत जाएंगे और हम आज जो यहाँ बैठे हैं, बैठने की जगह भी हमारे पास नहीं बचेगी। तो इसलिए Zoom पे जो लोग जुड़ते हैं, Zoom पे जो हमारी मीटिंग होती है वो बहुत अच्छी बात है। बार 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 घूम फिर के नंबर आता है। स्टेट की होती हैं, प्रोफेशंस की होती हैं, महिलाओं की 3 दिन पे संविधान की होती हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है। और उससे क्या हो रहा है कि लोग आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, लोग निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। जो लोग अपने अपने यहाँ पे थे और उनको पता नहीं था कि भैया हमें आगे निकल के कैसे आना और कैसे एक दूसरे को जुड़ना, उनको वो एक माध्यम मिला है। दूसरा जो मीडियम मिला है वो मिला है फिजिकल मीटिंग का। ये जो हमारी आज संगति हो रही है, आज हमारी जो संगति हो रही है, मैसेज गया, बहुत लोग आए, बड़ी संगति हुई है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी संगति हमें करनी है, अपने घरों में करनी है, अपने मोहल्लों में करनी है, अपनी गलियों में करनी है, जहां उठते बैठते हैं वहां करनी है। हमें बार बार इस बारे में बात करनी है कि हम समर समाज के लोग हैं, हमारा एक संघ है, उस संघ को हमें आगे बढ़ाना है। क्योंकि संघ नहीं होगा तो हम जीतेंगे नहीं, संघ नहीं होगा तो हम जुड़ेंगे नहीं। हमें जुड़ने के लिए संघ चाहिए ना। संघ होगा हम जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हम आगे जाएंगे। और जब तक हम जीत को ठान ना लें कि भैया हमें जीतना ही है और जीतने के लिए सिर्फ एक काम करना है कि जुड़ना ही है। और जुड़ने के लिए अपनी जेब से कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। 4 पराठे लाने अपने लिए, 2 उसके लिए लाने हैं जो बहुत दूर से आ रहा है। डॉक्टर हरा स्वामी जी आए हैं सर, हमें 5 लाया हूं और उनके 5 लेके भी आए हैं। तो जुड़ने के लिए कुछ करना नहीं है। जो रोटी घर में बैठ के खाते हैं वो हमें अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने समाज के साथ बैठ के खानी है। बहुत आसान है, बस मन पक्का करना है जुड़ने का। और ये मन पक्का हम कर लेंगे, जुड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और एक ऐसा संघ हम बना लेंगे। जबकि हालांकि संघ बनने की जो प्रक्रिया है बहुत तेज हो गई है। 5 मई को जब पहली मीटिंग Zoom पे लगी थी, और उस 5 मई से आज अक्टूबर हो गया, 6 महीने हो गए हैं, आगे टाइम बीतता जा रहा है, उसमें और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कुछ लोगों ने काम शुरू किया था और जितने सेम मन के लोग थे वो जुड़ते चले गए, और ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, आगे बहुत आगे चले जाएंगे। बस मन पक्का रखना है, हिम्मत जुटाए रखनी है, और सादा तरीके से जुड़ना है। 4 पराठे लाने हैं, 6 पराठे लाने, 4 अपने लिए और 2 अपने भाई के लिए। धन्यवाद। थैंक यू एडवोकेट अभिषेक राज जी, आपने जुड़ने के जो बेनिफिट्स बताए हैं। क्योंकि ये समर्पित कर दिया है, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। Zoom मीटिंग का समय 8 से 11 का होता है, लेकिन मैं 7:45 जुड़ जाता हूँ, और 12 बजे 11 बजे 11:30 बजे 2:30 बजे 6:30 बजे जब तक लोगों की जिज्ञासा शांत नहीं हो जाती तब तक हम जुड़े जाते हैं और अपने फोटो को चलाते हैं। हालांकि सर्दियों में इसका समय थोड़ा हम कम करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब सर्दी आ गई है, 8 से 10 तक का समय करने जा रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग सभी बड़ी संख्या में जुड़ें। आप सबको जोड़ें, अपने बच्चों को जोड़ें, अपनी बीवी को जोड़ें, अपनी बहनों को जोड़ें, अपने मित्रों को जोड़ें, अपने स्टाफ में उसको जोड़ें, अड़ोसी पड़ोसी को जोड़ें, क्योंकि जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक कामयाब नहीं होने वाले। अगर किसी घर की दीवार गिर जाती है तो लोग बाग वहां से रास्ता बना लेते हैं। यही हमारे साथ हुआ है। हम लोग जाति में बिखर गए, संगठनों में बिखर गए। आप लोगों को ताज्जुब होगा कि हमारे देश में SC/24 के कितने संगठन हैं। 28-29 लाख संगठन बने हुए हैं। इतनी तो किसी देश की संख्या नहीं होती। हम लोग 28-29 लाख संगठनों में बिखरे हुए हैं, तो बताइए हमारा क्या होगा। उसमें फिर हमारी जातियां 6,740 जातियां मायने रखती हैं।
जो हमारे चार वर्ण बनाए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या ब्राह्मण का कोई जाति है, कोई इस वर्ण की जाति है? जो ऊपर के आप तीन वर्ण ले लिए उनमें कोई जाति नहीं है, लेकिन हमें जाति में बांट दिया और जाति में बांट कर हमें बिखेर दिया। हम लोग कभी यहाँ के शासक प्रशासक होते थे और आज क्या है, आज याचक है। ये लोग याचक थे, जब बाहर थे तो याचना करते थे, हम लोग भी मारते थे और धीरे धीरे हम लोग को उन्होंने जाति में बांट कर शासन कर दिया और आज ये इस देश के शासक प्रशासक और हम आप जुड़े तो फिर भविष्य खराब होगा, हमारे भविष्य खराब होगा, हमारी आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब होगा और जो हमें बाबा साहब ने दिया है वो सब हमारा चला जाएगा। इससे आप इसलिए आप लोगों से विनती है कि आप अधिक से अधिक जुड़ने और जुड़ने का कार्य करें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुरादाबाद मंडल के सभी विधा पीठों के पदाधिकारी। उससे बाहर जाके कहाँ पर भी कुछ खाए और कुछ भी हो उसके लिए हेलो अटेंशन प्लीज। यहाँ पर जो भी मेहमान अपना अपना खाना लेके आई थी उनके टिफिन वहाँ पर है व्यवस्थित तरीके से, आप वन बाय वन अपना अपना टिफिन अपने पास वापस ले लीजिए, ठीक है? किसी का टिफिन मिसप्लेस ना हो, आपको जिसका जो है वही उसके घर जाए। थैंक यू। हाँ तो प्लेट भी है मुरादाबाद वालों ने पेट भी दिया तो आपने तो प्लेट का भी इंतजाम करवा रखा है लंबी लंबी लाइन लगवा दी हमने। हाँ नहीं अच्छा किया। मेरी लाइन में मैं बंदा खड़ा करके आऊँ ना आगे। अच्छा, 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 चलो बहुत बढ़िया वकील हो। अगर कोई वहाँ घास में बैठकर भी खाना खाना चाहता है, स्पेस की कमी दिख रही हो तो वहाँ पर भी बैठ के हम लोग इजीली खा सकते हैं। लेकिन बेटी का सम्मान कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हम सभी डिसिप्लिन बनाए रखेंगे क्योंकि हम सब उच्च पदों पे कार्यरत हैं और हम अपने संघ में भी ये डिसिप्लिन बनाए रखेंगे कि हम व्यवस्थित तरीके से भोजन करेंगे, बच्चों को भी प्रेम से भोजन कराएंगे। लेकिन कहीं पर वो शादी वाला माहौल ना हो कि कौन है खिचड़ी वाली वो बात होती है तो कि जब टूट पड़े तो वो माहौल हमें नहीं दिखाना है। हम लोगों को बहुत ही डिसिप्लिन में भोजन ग्रहण करना है। बहुत बहुत धन्यवाद भोजन करने के लिए सभी को। बहुत बहुत साधुवाद।
जी और उनकी टीम जीना पीपा हमारे मुरादाबाद में उन्होंने कदम रखा, इसके लिए मैं तय वेलकम करती हूँ और महिला को भी धन्यवाद लगाकर सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद आज के इस हम संघ में जनपद जैसे कि प्रसन्न चल रहा है तो संघ कहां से चला ये शायद पूरे समाज में बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि वो ऐसी चीजें अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं और वो परिचित हैं। लेकिन मैं महिलाओं को बताना चाहूंगी कि संघ जो है वो हमारा बुद्ध काल से ही चला हुआ है और संघ की एक बहुत बड़ी शक्ति होती है कि किस तरह से हम संघ में जुड़कर संगठनों में हम खंडन मतलब संगठित नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है, वो हमसे अच्छा काम कर रहा है, वो नेता बन गया, हम नहीं बन पाए, ठीक है, उसके गले में माला पड़ गई, मेरे नहीं पड़ी, तो एक वैसी वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन जब हम संघ में भगवान बुद्ध का चलाया हुआ संघ कि हम संघ में ही सभी लोग एकत्रित होंगे और यहाँ कोई नेतागिरी नहीं करेगा, यहाँ कोई अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी लोग समान होंगे, हम सभी समान है, तो उसी पद्धति पर चलते हुए वी द पीपल भी हम वही कॉन्सेप्ट रख के और हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जितने लोग जो जुड़ रहे हैं वो कितने हैं हम संख्या में ये जानना बहुत ही जरूरी है। जब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमारे परिवार के कितने सदस्य हैं, किसी के पांच बेटे हैं और वो अलग अलग हैं, बिखरे हुए हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन के पांच बेटे हैं, पांच पुत्र हैं। लेकिन वही जब पांचों साथ में खड़े होंगे, फाइव फिंगर्स साथ में है, तब एक मुट्ठी बन गई और हाथ बन गया पूरा, ठीक है, उससे हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना हाथ के सभी को पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमको इस संघ के नीचे आना है, इसका मोटिव ही यही है कि हम एक परिवार के सदस्य बनकर हैं तो हम ऑलरेडी, लेकिन जानते नहीं है, परिचित नहीं है, तो ये परिचय इसी बेस पर रखा गया है कि हम एक दूसरे को जानें, एक दूसरे से जुड़ें और उसी के आधार पर हम अपना माइंड मेकअप करें, हम समाज के लिए, हम सोसाइटी के लिए, हम लोगों के लिए और अपने दबे कुचले तबके के, जो हम एजुकेटेड हैं वो तो हम कर ही रहे हैं जो कर सकते हैं पे बैक टू सोसाइटी, लेकिन हमसे नीचे भी जो हैं जिनको कुछ नहीं पता, मैं चाहूंगी महिलाओं से कि वो भले हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, हाउसवाइफ में भी बहुत ताकत होती है और वो अपने अड़ोस पड़ोस अपने रिलेटिव किसी को भी बदलना चाहे तो बहुत कुछ बदल सकती है। अब तक जो हम ढो रहे थे वो हिंदू धर्म को ढो रहे थे, ठीक है, आज अपने ही मंच है, अपने ही लोग हैं, तो मैं खुलकर कह सकती हूँ कि बाबा साहब से इंटेलिजेंट शायद इस पृथ्वी पर तो कोई पैदा नहीं हुआ। और मैं बचपन से ही मेरे पिताजी से जुड़ी हुई थी और मैं काफी पुस्तकें पढ़ती थी उनके साथ में, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और आगे चलकर
मुझे समझ में आ चुका है कि हमारे लिए यही रास्ता ठीक है जो बाबा साहब देखे गए। हम बाबा साहब को लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा धम्म, बाबा साहब ने जो एक रिसर्च की थी बौद्ध धम्म की, वो हमारे लिए सबसे बड़ी रिसर्च होगी। और उस पर चलना, अपनी फैमिली को उस पर चलाना, बेसिकली महिलाओं के लिए, आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू धम्म को ढो रही हैं, समझ रही हैं? हो सकता है बुरा लगे किसी को, मुझे नहीं पता, लेकिन आज अपने ही परिवार के लोग हैं तो मैं बोलना, दिल से बोलना चाहूंगी कि हम हिंदू नहीं है, हमें बाबा साहब जो देखे गए वो ही हमारा धम्म है, और वही उसी से ही हमारे बच्चों की, हम सबकी एक, हम अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक हक दिला सकते हैं। तो हम उस धर्म का त्याग करते हुए हम धम्म के शरण में आए, संघ की शरण में आए, तभी हम सही मायने में, बाबा साहब चाहते थे कि इस देश पे हम राज करेंगे, और ये सपना ही नहीं है, ये सच भी होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, वी द पीपल से सभी लोग जुड़िए, ये आपका ही, आपकी फैमिली का, आपके फैमिली को ग्रो करने के लिए ही ये संघ का निर्माण है। और प्लीज आप लोग, आई वुड टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि महिलाएं विशेष तौर पर थोड़ा सा समय निकाल के, हम लिंक भेजते रहेंगे आप लोगों को, चाहे आप काम भी करिए, किचन में काम चल रहा है, लेकिन वो सुनते रहिए, कि वो सुनना बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे लोग, पूरे समाज क्या कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रहती है, तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, सभी महिलाओं को, कि सबका बहुत बहुत साधुवाद है कि आप लोग यहाँ आई हैं इतना समय निकाल के, आगे भी जुड़ना है क्योंकि बच्चों को भी जुड़ना है। एक्चुअली बात यह है कि हम अपने बच्चों को क्या देंगे, तो हम यही देंगे, ये संघ, ये धम्म। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमते से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। Thank you.
ආදිින්ල දානාවර්මණි සික්කාපදිංස්මාධයානී ආදින්න දානාවර්මණි සික්කාපදන් ස්මාධයාමී ආදින්න දානාවර්මණි සික්කාපදන් ස්මාධයාමී විර්මණි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි කාමේසු මිච්ඡචර විර්මණි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි කාමේසු මිච්ඡචර විර්මණි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ගච්ඡාමි බුද්ධ
शरणं गच्छामि दूतियोऽपि धम्मं शरणं गच्छामि Gracias.
गच्छामि संगम शरणम गच्छामि मिठा चारा फिर मैंने सिखा पदिंग समाधियां।